आईवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। जयपुर ब्लॉक प्रमुख उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से सियासी सरगर्मियां ब्लॉकों में तेजी हो गई है। चुनाव में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की धमकी, अपहरण और बंधक बनाए जाने का आरोप लग रहा है। ताजा मामला हलिया थाना क्षेत्र के फुलियारी गाँव का है, जिसमें बीडीसी सदस्य के अपहरण होने की दलील दी गई है। बीडीसी सदस्य के अपहरण होने की दलील पर दी गई है। बीडीसी सदस्य कालू कोल के लापता होने के बाद बेटा जयपति कोल 6 दिन से लापता पिता कालू कोल के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर गुहार लगा रहा है। वो इलाके के व्यक्ति पर अपहरण करने का आरोप लगाया, साथ ही चुनाव लड़ रही एक महिला प्रत्याशी पर अपहरण करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि सूचना आई थी कि एक बीडीसी का अपहरण किया गया है, इसमें तत्काल हमने जो है IR दर्ज कर ली है। ऐसे वो होलिया ने इसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हम आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख का अविश्वास प्रस्ताव 3 ब्लॉक में लाया गया था। जनपद के 3 ब्लॉकों में हलिया, जमालपुर और नारायणपुर में चुनाव घोषित हो गया है। 9 मार्च को 3 ब्लॉकों में मतदान होगा, उसी दिन परिणाम भी आएगा। दिक्कत यही है जो बटे हम जिला जनपद में आए हैं मिर्जापुर, और हमारे पिताजी का जो है का कहते ने नानक ने अपहरण किया है। झाड़ फूक करने के लिए गए थे जोन बटे और का कहते ने त्रिवेणी के घर से, और जोन बटे वहाँ से जबरदस्ती उठा लिए। उसमें सूचना आई थी कि एक BDC का अपहरण किया गया है, इसमें तत्काल हमने जो है FIR दर्ज कर लिया है और इसके बाद अग्रिम कार्रवाई की। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे IB इंडिया न्यूज़।